आप लोगों को पूछूंगा फिर जवाब देना, ठीक है? हैं? देंगे? अभी नहीं पूछूंगा बाद। ओके, तो आज हम लोग शाम की इस प्रार्थना में उस समय व्यतीत करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आपके मध्य में आज शाम के समय में जो कलाम से बातचीत करना चाहता हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन। मैं चाहता हूँ कि कोई हिंदी में से पढ़ ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन। सबके पास इंग्लिश में? ओके, तो इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। मेरे पीछे आप दोहराए, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके कलाम में लिखा है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं करूंगा। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद और सहायता करें कि हम आज आपके कलाम से कुछ सीख सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इस समय में मैं आपके बीच में आज मैं सोच रहा था कि क्या संदेश आज मैं आपके मध्य में रखूं, तो मैं जस्ट स्टडी कर रहा था और एक जो परमेश्वर का दास है जो बहुत ही इतिहास में जिसे कहा जाता है अ मैन ऑफ प्रेयर एंड ग्रेट फेथ, अ मैन ऑफ प्रेयर एंड ग्रेट फेथ, वो कोई व्यक्ति दूसरा नहीं है, वो है जॉर्ज मुलर। जॉर्ज मुलर जो है उन्हें जाना जाता है प्रार्थना करने वाला एक महान, विश्वास करने वाला, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के नाम से नहीं जाना चाहता है। मैं जॉर्ज मुलर के बारे में जब स्टडी कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि जॉर्ज मुलर जो है एक चोर थे, वो चोरी करते थे, स्टीलिंग करते थे। एंड देन मैं काफी क्यूरियस हो गया कि एक चोरी करने वाला व्यक्ति आज जिसे जाना जाता है मैन ऑफ प्रेयर एंड ग्रेट फेथ, तो मैं सरप्राइज हुआ। एंड देन मैं स्टडी करने लगा उसके बारे में। एंड देन कुछ जानकारी जो मुझे मिली है जिसमें आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जॉर्ज मुलर जो है वो जर्मनी के रहने वाले हैं, वहां पर वो पैदा हुए 1805 में वो पैदा हुए, और इनके पापा जो थे वो टैक्स कलेक्टर थे, यानी कर को वसूल करने वाले व्यक्ति थे। एंड क्या करता था जॉर्ज मुलर, अपने पापा के पॉकेट से पैसा चुराया करता था, तो ये उसकी आदत थी। इतना ही नहीं, ये पैसे चुराने वाला व्यक्ति नहीं था, ये जुआ खेलना, शराब पीना और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ये इसका कार्य था। और जब जॉर्ज मुलर 14 साल के थे, ये नशा कर रहे थे और जुआ खेल रहे थे, शराब पी के धुत हुए थे, और इनकी माँ का डेथ हो गया और इनको पता भी नहीं चला, और 2 दिन हो गए ये नशा में इस प्रकार से वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। जब इनकी माँ का देहांत हो गया, जॉर्ज मुलर, इनके पापा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, 14 साल का लड़का है, इसके पढ़ाई करने, इसके भविष्य को उज्ज्वल भी करना है, तो इसके पापा ने उन्हें हाले जो जर्मनी एक शहर है वहां पर उन्हें दाखिला करने के लिए भेज दिया। और उन्होंने सोचा कि ये जाकर के वहां लूथरन मिनिस्टर बनेगा आने वाले समय में, जो लूथरन कलिस्य है वहां के स्कूल में उसे दाखिला किया गया। और जब वहां उनका दाखिला किया गया तो इनके चरित्र में कुछ भी बदलाव नहीं आया, वहां पर भी क्या करता था, अपने मित्रों के जो पैसे हैं उनको चुराया करता था, तो इस प्रकार की इसकी जिंदगी चल रही थी वहां पर भी। और एक बार की बात है, इनके जीवन में अब बदलाव आना शुरू होता है। इस प्रकार से ये और इसके मित्र जॉर्ज मुलर और इनके मित्र स्विट्जरलैंड के लिए समर वेकेशन के लिए ये लोग निकल गए, और भी बच्चे इसके मित्र इनके साथ आना चाहते थे,
तो उन बच्चों ने सोचा कि इनके पापा के तो सहमति पत्र चाहिए, सिग्नेचर चाहिए लेटर में। तो जॉर्ज मुलर ही वो व्यक्ति था जिनका पापा बन करके दस्तखत करके सिग्नेचर करके उनको अपने साथ स्विट्जरलैंड लेके गया। जब इस स्विट्जरलैंड में कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया, वापस आने के बाद इनके एक मित्र थे जिसका नाम था बेटा। बेटा जो इनका मित्र था, इनको एक बाइबल स्टडी के लिए इन्होंने बुलाया। और शाम का ये समय था और सैटरडे की नाइट थी जब जॉर्ज मुलर और उनके दोस्तों के साथ एक बाइबल स्टडी में ये लोग सहभागी हुए। और वहां पर जॉर्ज मुलर ने, ये कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं था, जॉर्ज मुलर कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं था, इसके मम्मी पापा भी नहीं थे। इन्हें एक कलिसिया या चर्च की संस्कृति में कैसा परवरिश करना उन्होंने उनको नहीं मालूम था, इसीलिए इनका जीवन इस प्रकार से नशा में था, जुआ में था और चोरी करने में था, ऐसा इनका जीवन था। लेकिन जब इन्होंने इस बाइबल स्टडी इस ग्रुप में उन्होंने सहभागी हुए, तो उन्होंने वहां पर जो देखा, लोग घुटनों में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं, और जाकर के उन्होंने, जॉर्ज मुलर ने एक संदेश को सुना, परमेश्वर के संदेश को सुना। और जब ये अपने दोस्त जिसका नाम बेटा है वापस जब आ रहे थे स्कूल में अपने, तो इन्होंने कहा अपने दोस्त को कि हमारी जो इस संसार की जिंदगी जो हम जी रहे हैं, या स्विट्जरलैंड में जब हम गए थे, ये प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड, उसको अगर मैं कंपेयर करूं, आज जो मैंने अपने जीवन में जो कुछ एक ऐसा अनुभव किया, शायद ही जीवन में मैं कभी ऐसा अनुभव पहले कभी किया होगा। और ये मोमेंट उनके जीवन में, उनके लाइफ चेंज होने का एक मोमेंट आ गया। और उन्होंने, जॉर्ज मुलर ने एक डिसीजन लिया कि वो अब इस प्रकार की प्रार्थना ग्रुप में वो सहभागी होते रहेंगे। और एक सप्ते के अंदर जॉर्ज मुलर ने भी एक निर्णय लिया कि मैं भी अब प्रार्थना करना शुरू करूंगा। और उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और वो प्रार्थना करना शुरू कर लेते हैं। और जब ये प्रार्थना करना शुरू कर लेते हैं और इनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो इन्होंने कहा, जॉर्ज मुलर ने कहा कि मैं मिशनरी बनना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और जब इनके पापा को ये मालूम हुआ कि ये मिशनरी बनना चाहता है, तो पापा ने उसे अप्रूवल नहीं दिया, या पापा ने कहा नहीं, आपको स्टडी करना है, क्या सेवक बनोगे, क्या प्रीचर बनोगे। और जब पापा ने इन्हें मना किया, तो उसने एक निर्णय ये लिया कि मैं अब जो हूं, अपने पापा जो मेरे पापा फीस देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं पढ़ने के लिए, मैं वो नहीं लूंगा। और उन्होंने एक निर्णय लेना शुरू किया और वो उसी दिन घुटनों में आए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए ट्यूशन फीस का इंतजाम करें। और चमत्कारी रूप से जॉर्ज मुलर की प्रार्थना सुनी जाती है। अमेरिका से कुछ प्रोफेसर वहां पर पढ़ाने के लिए आते हैं और उनको ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी। और उन्होंने जब जॉर्ज मुलर से कहा कि क्या आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा। और उसको ट्यूशन फीस के रूप में उन्होंने अच्छा अमाउंट पैसा दिया। और पहली ये प्रार्थना थी जॉर्ज मुलर की जो परमेश्वर ने सुनी, और जॉर्ज मुलर का विश्वास परमेश्वर में बढ़ता चला गया और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। और वो अपने पिता पर डिपेंड नहीं रहा, अब परमेश्वर पर वो डिपेंड होना शुरू हो गया। और ऐसे ही जॉर्ज मुलर आगे प्रार्थना करते चले गए। और जब वहां उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन के समय में जब जॉर्ज मुलर को लंदन में वहां पर स्टडी के लिए, ट्रेनिंग के लिए लाया गया, फिर जॉर्ज मुलर ने वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जानी थी, और जिस ट्रेनिंग का नाम मिशनरी सोसाइटी टू बिकम अ मिशनरी टू जूस, यहूदियों के बीच में वो मिशनरी के रूप में सेवा करने के लिए ट्रेनिंग के लिए ब्रिस्टल इंग्लैंड में आए। और वहां पर क्या हुआ कि इनका स्वास्थ्य जो है खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो कंप्लीट वहां की ट्रेनिंग नहीं कर पाए। और फिर जाकर के जॉर्ज मुलर ने उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। और वहां के बाद वो जब वापस आ रहे थे, तो वहां पर उनको एक ऐसा दर्शन से महसूस होता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और उसके राज्य के लिए कुछ काम करें।
तो जब इनके मन में दर्शन आया तो उन्होंने इंग्लैंड में आकर के वापस वो प्रभु की सेवा करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया और सोचने लगे कैसे मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने देखा स्ट्रीट में कुछ ऑर्फन बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, तो उनके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं जाकर के अनाथों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ काम करूं और सेवा करना शुरू करूं। तो इन्होंने सोचा आप ऐसे कैसे करेंगे, वहां के लोग कहने लगे अरे आप क्या करोगे, कैसे उनके बीच में सेवा करोगे, मनी जरूरत है, लोगों की जरूरत है, एक अच्छी बिल्डिंग की जरूरत है, सारा चैलेंज उनके सामने था। लोगों ने उनके बातों को सहमति नहीं दी, उनको मजाक बनाने लग गए लोग, और उनके जो वहां पर कुछ चर्च में लोग भी थे, लोग मजाक बनाने लगे, कोई सहमत नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं ऐसा करूंगा। फिर जॉर्ज मुलर प्रार्थना करने लग जाते हैं कि प्रभु ऑर्फनाइज को शुरू करने के लिए फंड का इंतजाम करें और साथ ही वर्कर का इंतजाम करें। और जॉर्ज मुलर की प्रार्थना को परमेश्वर शीघ्र सुनता है, बहुत सारे लोग डोनेशन देना शुरू हो जाते हैं और लोग सेवा करने के लिए उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और परमेश्वर ने उसकी वो प्रार्थना भी सुनी। और ये 1836 की बात है जब जॉर्ज मुलर ने ऑर्फनाइज को शुरू किया और बहुत सारे जो है बच्चों के लिए, आप ये ऑर्फनाइज तो उसने बना लिया, ये सब इंतजाम हो गया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये पैसे डोनेशन भी आ गया, लोगों को इंतजाम भी हो गया, लेकिन बच्चे नहीं है ऑर्फनाइज। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु बच्चे दे हमें, हमारे ऑर्फनाइज में बच्चों का इंतजाम करें। और परमेश्वर ने जॉर्ज मुलर की प्रार्थना को सुना और लिखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे वहां पर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पर आते हैं और भर जाता है उनका अनाथालय। और उसके बाद जब इनका अनाथालय बढ़ जाता है तो ये और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं और एक और दूसरी जगह लेते हैं और वहां पर ऑर्फनाइज उनका शुरू हो जाता है, बहुत सारे बच्चे वहां पर पढ़ने लग जाते हैं। अब एक दिन की बात है, परमेश्वर ने ऑर्फनाइज भी उन्हें दे दिया, बच्चे भी उन्हें दे दिए, लेकिन फंड तो कंटिन्यू चाहिए, बच्चों के लिए खाने के लिए कंटिन्यू फंड चाहिए। एक बार की बात है जब जॉर्ज मुलर के पास वहां के कुछ अधिकारी आते हैं, कहते हैं कि कुछ खाने के लिए नहीं है, और उन बच्चों को जॉर्ज मुलर कहता है कि प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर इंतजाम करेगा। तो बच्चों को स्कूल जाना था, ब्रेकफास्ट होने चाहिए था, और बच्चों को उन्होंने कहा कि बैठा दो और प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और परमेश्वर अद्भुत रीति से वहां पर काम करता, बच्चे सब बैठे हुए थे, प्रार्थना कर ही रहे थे, दरवाजे में खटखट की आवाज आती, कुछ खाने के लिए नहीं है, न खाने के लिए ब्रेड है, न मिल्क है, कुछ नहीं है, लेकिन बैठा दिए, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते गेट में आवाज आती है, दरवाजा खोला जाता है और वहां पर बेकरी वाला आता है और कहता है कि मैं कल रात भर सो नहीं पाया और मैंने रात भर ब्रेड बनाना शुरू किया और आज मैं इन बच्चों को डोनेट करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने जॉर्ज मुलर की ये प्रार्थना को सुना। फिर थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा में आवाज खटखटाती हुई आई, दरवाजा खोला, एक दूध बेचने वाला मिल्कमैन, उसका ट्रक खराब हो गया था और उसने कहा कि अब ये खराब होने से पहले मैं इस दूध को इन बच्चों को देना चाहता हूँ, कहाँ लेके जाऊंगा, ट्रक खराब है और दूध खराब हो जाएगा। तो उसने मिल्क भी वहां पर ऑर्फनाइज में दे दिया। इस प्रकार से जो है जॉर्ज मुलर की प्रार्थना परमेश्वर सुनता गया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये वास्तविक उनके जीवन की घटनाएं हैं जो घटी हैं और उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, इसीलिए उन्हें प्रार्थना करने वाला और विश्वास करने वाले महान संत के नाम से जाना जाता है। और उस समय के बाद जॉर्ज मुलर जब वो 1979 की बात है ये, और वो अपने कलिसे में प्रार्थना लीड कर रहे थे, और उसी प्रार्थना लीड होने के बाद उस समय के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में जॉर्ज मुलर का देहांत हो जाता है और 92 इयर्स ओल्ड जॉर्ज मुलर इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उनकी जिंदगी शुरुआत प्रार्थना के साथ होती है, आत्मिक जीवन, और अंत भी उनका प्रार्थना के द्वारा होता है। परमेश्वर महान परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनता है, जब वो जॉर्ज मुलर की प्रार्थना सुन सकता है,
मेरे भाई और बहनों आपकी और मेरी प्रार्थना भी सुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, आज भी कल भी युगानुयुग परमेश्वर सेम परमेश्वर है। तो क्यों ना ये समय जब हम ट्यूजडे प्रार्थना में हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे भी ऐसा हृदय दे, मुझे भी ऐसा मन दे, मुझे भी ऐसा विश्वास दे प्रभु कि मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूं। और जब आप मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे जॉर्ज मुंडर की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उन जो अनाथ बच्चे थे भोजन के लिए तरस रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। और अपने ट्यूशन फीस के लिए जॉर्ज मुलर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जॉर्ज मुलर ने फंड और डोनेशन के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जॉर्ज मुलर बच्चों के लिए ऑर्फनाइज के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बच्चों का इंतजाम किया। आज जब आप हमें समय लेकर के कुछ विषय को लेकर के प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब एक चोर को परमेश्वर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो आपकी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं परमेश्वर सुनेगा। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसे जॉर्ज मुलर की प्रार्थना को आपने सुना है, हमारी प्रार्थना को भी सुने परमेश्वर, ताकि खुदा आपको महिमा मिले और आपका नाम जलाल को पाए। परमेश्वर हमारे विभिन्न प्रार्थना विषय हैं, उन प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं और उन प्रार्थनाओं को सुनें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।